गोरखपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को एक पल्सर मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, तीन जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि खोराबार थाना प्रभारी नासिर हुसैन अपनी टीम के साथ कुसमेही बाजार में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान विजय यादव पुत्र राम कुमार उर्फ कुंवर निवासी ग्राम गहिरा लाला टोला थाना जगहा तथा दूसरे की पहचान रंजीत कुमार पुत्र फेकू प्रसाद निवासी ग्राम गहिरा साहू टोली थाना जगहा के रूप में हुई, जिसके पास से बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, तीन जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सीओ कैंट ने बताया कि देवरिया पुलिस को सूचित करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक खोराबार नासिर हुसैन, उप निरीक्षक जयप्रकाश यादव, रामशरण पाल, दिनेश यादव, अश्विनी कुमार चौबे, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, अबरार खां, कांस्टेबल मिथुन कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, खोराबार पुलिस ने आज चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को पकड़ा जिनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ और गाड़ी भी एक पकड़ी गई। गाड़ी के बारे में पूछताछ करने पर वो कागज़ नहीं दिखा सके। उसके पश्चात जब और गहनता से पता किया गया तो पता चला गाड़ी ये देवरिया से चोरी हुई थी। देवरिया में इसका अभियोग भी पंजीकृत है। तो चोरी की गाड़ी के सहित दो व्यक्ति बरामद हुए हैं। देवरिया पुलिस को सूचना दे दी गई है, वो अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो अवैध शस्त्र के साथ यहाँ पकड़े गए हैं उसके संबंध में कार्रवाई थाना खोराबार पुलिस द्वारा की जा रही है।